सुप्रभात, क्लास 5th, सब्जेक्ट हिंदी, बुक का नेम उत्सव। कल हम लोग पार्ट 3, जिसका नाम आत्मबोध है, वो पढ़ चुके थे। आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का, साधु का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन आत्मानंद, सेकंड ऑप्शन रामानंद, थर्ड ऑप्शन सेवानंद। तो इसका आंसर होगा सेकंड ऑप्शन रामानंद। खा, साधु अकेला वन में रहकर करता था। फर्स्ट ऑप्शन भगवान का भजन, सेकंड ऑप्शन व्यास, थर्ड ऑप्शन तपस्या। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन भगवान का भजन। गा, रामानंद ने किसकी पूरी तैयारी कर ली थी? फर्स्ट ऑप्शन परीक्षा की, सेकंड ऑप्शन सोने की, थर्ड ऑप्शन यात्रा की। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन यात्रा की। घा, तपस्थली सप्त सरोवर पर रुकने के बाद उसे जाना था। फर्स्ट ऑप्शन बद्रीनाथ, सेकंड ऑप्शन द्वारिका, थर्ड ऑप्शन रामेश्वरम। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन बद्रीनाथ। रा, रामानंद ने धन छुपाने के बाद निशानी के लिए क्या बनाया? फर्स्ट ऑप्शन बालू का महल, सेकंड ऑप्शन पत्थरों की दीवार, थर्ड ऑप्शन शिवलिंग। तो इसका आंसर होगा थर्ड ऑप्शन शिवलिंग। चा, पहले दल के बड़े का क्या नाम था? फर्स्ट ऑप्शन मेरुदत्त, सेकंड ऑप्शन विष्णुदत्त, थर्ड ऑप्शन पुरुषदत्त। तो इसका आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन मेरुदत्त। अब हम लोग सेकंड एक्सरसाइज फिल करेंगे। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिनकी सहायता से हम लोगों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। का, उसने अपना घर परिवार सभी रिक्त स्थान दिया था। तो यहाँ पर इन शब्दों में से इसका आंसर होगा त्याग। उसने अपना घर परिवार सभी त्याग दिया था। खा, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा रिक्त स्थान भी था। तो इन शब्दों में से इसका आंसर होगा अवगुण। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण भी था। गा, अतएव एक बार सभी रिक्त स्थान की यात्रा कर लेनी चाहिए। इन शब्दों में से इसका आंसर होगा तीर्थों। अतएव एक बार सभी तीर्थों की यात्रा कर लेनी चाहिए। घा, अपने रिक्त स्थान और रिक्त स्थान उसने एक पोटली में बांध लिए। तो इसमें उन शब्दों में से इसका आंसर होगा वस्त्र और सत्तु। अपने वस्त्र और सत्तु उसने एक पोटली में बांध लिए। डा, वह गंगा नदी के किनारे किनारे रिक्त स्थान करने लगा। इसमें से उन शब्दों में से इसका आंसर होगा पदयात्रा। वह गंगा नदी के किनारे किनारे पदयात्रा करने लगा। चा, उसने चारों ओर रिक्त स्थान दौड़ाई। तो इसमें से उन शब्दों में से इसका आंसर होगा दृष्टि। उसने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। तीसरी एक्सरसाइज फिल करेंगे। सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। का, रामानंद गंगा नदी के तट पर रहता था। तो जैसा हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा है, इस यह वाक्य सही है। तो इस पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। खा, उस साधु में केवल एक गुण था। यह गलत वाक्य है। तो इस पर हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। गा, एक बार वह साधु अपनी आयु के बारे में सोचने लगा। यह उत्तर सही है। यह वाक्य सही है। तो इस पर हम लोग सही का चिन्ह लगाएंगे। घा, मार्ग में अनेक तीर्थ यात्री मिलते रहे। यह वाक्य सही है। तो इस पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। ड़ा, साधु को अपने धन के विषय में कोई चिंता ना थी। यह वाक्य गलत है। तो इस पर हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। चा, लगभग 3-4 मील चलने के बाद रामानंद रुका। यह वाक्य गलत है। तो इस पर हम लोग गलत का चिन्ह लगाएंगे। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसको अपनी अपनी बुक्स में फिल कर लें और लर्न करें। धन्यवाद।